हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कोई कुकिंग का वीडियो लेकर नहीं आई हूँ, पर मैंने जो फील किया है, मुझे जो अच्छा लगा है, वो प्रोडक्ट का वीडियो लेकर आई हूँ। तो मैं कितने दिन से एक चॉपर की तलाश में थी, इलेक्ट्रिक चॉपर, जो मुझे कोई भी अच्छी ब्रांड का चॉपर 1500 से 1800 तक मिलता था। तो मुझे इतने पैसे खाली चॉपर में वेस्ट करने के लिए अच्छे नहीं लगे। तो मुझे काफ़ी ढूंढने के बाद एक प्रोडक्ट मिला जो मुझे एकदम वर्थ लगा। ये है मैगी ब्रांड का रियो 3G ऑल इन वन फूड प्रोसेसर, जो आपके ही मिक्सर में अटैच होके आपको सब कुछ श्रेडिंग है, चॉपिंग है, स्लाइसिंग है, नीडिंग है, सब कुछ करके देगा। तो वो इसका मुझे बेस्ट पार्ट लगा, क्योंकि आप अगर आप ऑल इन वन फूड प्रोसेसर लेने जाएंगे ना, तो आपको कम से कम 8,000 से 10,000 तक का मिलेगा, इससे कम में नहीं मिलता है। तो ये मुझे 2150 में अमेज़ोन से मैंने ख़रीदा है, और इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ पे जाके परचेज़ कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे अटैचमेंट आते हैं, जो आप अलग अलग काम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। हम होम मेकर्स का 50% टाइम तो किचन में ही चला जाता है, और हमारे लिए हम टाइम निकाल ही नहीं सकते हैं। तो ये जो चॉपर है, ये जो फूड प्रोसेसर है, आपके बहुत ही काम में आने वाले हैं। आपको आपके लिए इतना टाइम बचाएगा कि आप आपके लिए कुछ भी अलग से कर सकते हैं, खुद के लिए टाइम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसके साथ 4 ब्लेड आई है, इसको चॉपिंग के लिए एक अलग से ब्लेड आई है, नीडिंग के लिए अलग से प्रोडक्ट है। तो बहुत ही अच्छे से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, आगे मैं आपको बताऊंगी। तो ये जो गियर बॉक्स है, ये आपके मिक्सर में आपको इस तरह से अटैच करना है, और इसके ऊपर जो जार है वो रखना है। तो इसके लिए बीच में ये डंडी वाला प्रोडक्ट आता है, वो पहले लगा देना है। उसके बाद आपको इसके जार को अच्छे से लॉक कर देना है, सभी चीज़ों को लॉक करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अंदर हमें इस तरह से चॉपर की ये जो ब्लेड आती है वो डाल देनी है, और इसके ऊपर हमें इसका ढक्कन लगा देना है। तो हमारा फूड प्रोसेसर जो है वो तैयार हो गया। यहाँ पे मैंने ऑनियन लिया है, 6 से 7 ऑनियन लिया है। इसको मैंने इसी तरह से वॉश करके, पील करके, स्लाइस में कट कर लिया, पीसीस में कट कर लिया है। तो इसको मैं इसके अंदर एक साथ डालती हूँ, तो 3 से 4 ही मिनट के अंदर एकदम अच्छे से ये हमारे ऑनियन जो है वो एकदम फाइन चॉप होके तैयार हो गए हैं। हाथ से आप करने जाओगे, इवन रस्सी चॉपर से भी करने जाओगे ना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा इसके। यहाँ पे मैंने एक कैप्सिकम लिया है, कैप्सिकम मेरा छोटा था और मुझे इसकी इतनी ही ज़रूरत थी। तो एकदम छोटे से छोटी चीज़ भी आप अगर इसमें चॉप करोगे ना, तो आसानी से हो जाएगी। आप देख सकते हैं, इतना छोटा कैप्सिकम भी एकदम इवनली चॉप होके तैयार हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा क्वांटिटी ही आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने गाजर लिया है, उसको मैंने हाफ में कट करके इस तरह से पीसेस करके डाल दिए हैं। तो गाजर को थोड़ा सा चॉप करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि गाजर हार्ड होते हैं, तो थोड़ा सा मतलब 10 सेकेंड ज़्यादा लगेगी, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। और गाजर भी एकदम अच्छे से फाइन चॉप होके तैयार हो गए है। टमाटर मैंने 250 ग्राम जितने टमाटर लिए हैं, तो इसको भी मैंने छोटे पीस में कट करके इसमें डाल दिया है। टमाटर में से पानी नहीं निकलता है और एकदम अच्छे से बारीक चॉप होके तैयार होता है। तो मेरे घर में मिक्सी वाली चटनी किसी को नहीं पसंद है, इसी तरह से कोर्स जो हम ईमानदस्ते से कूट के बनाते हैं ना, वो चटनी पसंद है। तो इसमें वो चटनी भी बहुत ही अच्छे से बन के तैयार होती है। तो मैंने पहले धनिया के डंठल लिए, उसको चॉप कर लिया। जो मिक्सी में हम चॉप करने जाते हैं ना, तो एकदम अच्छे से चॉप नहीं होते हैं। इसके बाद धनिया, पुदीना, अदरक, मिर्ची वगैरह सभी कुछ मैंने इसमें डाल दिया, मसाला डाल दिया, और इसको 1 से 2 मिनट चलाया ना, तो हमारी एकदम कोर्स वाली चटनी जो हम ईमानदस्ते से बनाते हैं ना, एकदम जल्दी से ये बनके तैयार हो गई, और बिल्कुल पानी नहीं छूटा है, एकदम अच्छे से चटनी बनके तैयार हो गई। अभी इसके अंदर हमें स्लाइसिंग करनी है, क्योंकि मुझे सैंडविच बनानी थी तो स्लाइसिंग की ज़रूरत थी। तो इसको इस तरह से अटैच कर दीजिए, बहुत ही आसान है इसको अटैच करना और निकालना। तो मैंने स्लाइसिंग की ब्लेड इसके अंदर डाल दी है, ये पार्ट मैंने इसके ऊपर इसी तरह से रख दिया है। और अभी मैंने क्यूकुम्बर की स्किन को पील कर लिया है, और इसी तरह खाली मैं ऊपर ही रख रही हूँ इसको,
और विद इन 2 ही सेकंड में क्यूकुम्बर की एकदम पतली बारीक वाली स्लाइस बन के तैयार हो गई, जो मुझे बहुत ही इसका ये बेस्ट पार्ट लगा। इतनी बारीक हम हाथ से करेंगे तो बिल्कुल ही नहीं होगी, इतनी अच्छी स्लाइस बन के तैयार हो गई। अभी लेते हैं टमाटर। तो टमाटर का मैंने डंठल निकाल दिया है और एज इट इज़ इसको इसी तरह से रख दिया है स्किन के साथ ही। तो मैंने 3 टमाटर की स्लाइस बनाई यहाँ पे, तो मुझे टमाटर की स्लाइस बनाने में बेस्ट लगा, क्योंकि कुकुम्बर तो हम किसी में भी स्लाइस कर सकते हैं, पर टमाटर में क्या होता है पानी उसका निकल जाता है। तो इसमें बिना पानी निकले एकदम फाइन चॉप ये स्लाइस बन के तैयार हो गई। आप देख सकते हैं एकदम पतली पतली, ऐसी आप हाथ से कर ही नहीं सकते हैं और किसी भी गैजेट से भी नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें से पानी निकल जाता है। यहाँ पर ऑनियन को मैंने पील कर दिया, वॉश कर लिया और इस तरह से खड़ा रख दिया है। तो हम इसको लेटा के नहीं रख सकते हैं स्लाइस करने के लिए, क्योंकि इसकी जगह जो है वो कम है, पर खड़ा रखने के बाद भी जो इसकी स्लाइस हुई ना, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। थोड़ा सा वो बिखर गया, पर इतना तो चलता है। अगर हमें एक साथ इतनी ज़्यादा स्लाइस चाहिए तो हम इसको फिर असेंबल करके भी रख सकते हैं। तो सैंडविच के लिए मुझे 10 ही मिनट के अंदर ये सारी चीज़ें मिल स्लाइस होके तैयार हो गई। अभी मुझे गाजर का हलवा बनाना था, तो इसकी ब्लेड मैंने बदल दी, जो शेडिंग वाली ब्लेड थी ना वो लगा दी इसके साथ, तो उसके ऊपर रख दिया है। अभी मेरे पास 1 किलो गाजर थे, तो उसको घिसने बैठूंगी ना तो मेरा 1 घंटा तो चला ही जाएगा नॉर्मली। पर यहाँ पे मैंने इस गाजर को अच्छे से वॉश कर लिया, इसकी स्किन को पील कर लिया और एक साथ आप देख सकते हैं कितने गाजर मैंने एक साथ रखे। इसकी शेडिंग करना चालू किया ना तो 5 ही मिनट में मुझे 1 किलो गाजर की शेडिंग बन के तैयार हुई। और इसके लिए मैं इसको 10/10 दे दूँगी, क्योंकि इसको शेडिंग में जो इसकी जो शेडिंग होती है ना, वो बहुत ही इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। तो इसके कारण मेरे हलवे का टेक्सचर भी बहुत ही बढ़िया आया, तो शेडिंग के मामले में मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। बीट की शेडिंग, लौकी का हलवा बनाना हो तो आप 5 ही मिनट में बना के तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा 2 kg वाला जो ग्लास का जार है, उसमें मैंने ये श्रेड करके डाला ना, तो पूरा भर गया गाजर का श्रेड होके। तो ये मुझे बहुत ही बेस्ट लगा इसके लिए। और ये हलवा मैंने माइक्रोवेव में बनाया, तो 15 मिनट में हलवा बन के तैयार हो गया। तो 20 ही मिनट में बिना एफर्ट के मेरा गाजर का हलवा बन के तैयार हो गया। तो मेरा मिक्सर जार इस टाइप का है, आप देख लीजिए। पहले सब मिक्सी जार में नहीं चलता है, पर 70 से 80% मिक्सी में ये चलता है। तो इसके पीछे का अगर पार्ट आपको इस तरह से होगा ना, तो ये आपकी मिक्सी में भी चल जाएगा। तो प्रोडक्ट अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।